हेलो नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु, सहयोगी ललित भी जुड़े हुए हैं। सियासत से आतंकियों तक और निवेश से कारोबार तक, कैसा रहा 370 के बाद का सफर जम्मू कश्मीर का? क्या बदलाव वहां पर आए? और इतना बहुत सारी चुनौतियां सामने थी पर कर दिखाया, कैसे, कैसा रहा ये 5 साल का सफर और अभी क्या स्थितियाँ हैं? ललित बिल्कुल। और जब आप उसे मतलब शुरुआत जब आप इसकी कर रही थी तो हमें एक फिल्म के डायलॉग मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सामने एक फिल्म में आप यकीन जानिए कि बरैया के छत्ते में, ततैया जिसे बोलते हैं, मधुमक्खी समझ लीजिए आप, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा 370 था। एक वक्त ये कहा जाता था कि साहब इसे कोई नहीं हटा सकता, ये तो वहाँ का एक हिस्सा है। लेकिन एक देश एक विधान एक निशान, ये भाजपा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह था। और हर बार आपने देखा होगा एक नारा लगता था, जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो निधन है वो रहस्यमय परिस्थितियों में दरअसल हुआ था और कश्मीर में हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। ये और बात है कि कई बार नेहरू के रिप्रेजेंटेटिव बनकर भी जो मुखर्जी हैं वो कश्मीर गए थे। बहरहाल 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया। जो लाइन मैंने बोली कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, आपने देखा होगा दोनों की बॉडी लैंग्वेज, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज से इतना क्लियर हो जाता है कि अगर इन्होंने कोई चीज तय कर ली है तो फिर वो इसे लागू करके रहेंगे। ये बड़ा हैरतअंगेज था कि पूरी दुनिया जिस कश्मीर की तरफ देखती है, डिस्प्यूट की तरह देखती है, वहां से 370 हटा और एक पत्थर तक नहीं उछला। तो इस तरह की चीजें रही हैं और ये अपने आप में माइलस्टोन होता है। ये अपने आप में माइलस्टोन होता है कि इतनी बड़ी तब्दीली आप कर दें और किसी तरह का प्रोटेस्ट ना नजर आए, किसी तरह की हिंसा ना नजर आए इंटरनेशनल मीडिया में, जबकि तैयारी सारी करके रखी थी। सामान्य बिल्कुल भी नहीं माना गया था कि सामान्य स्थिति होगी, सब बेहतर जीवन जी सकेंगे या रहेंगे शांति से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। पर एकदम अपोजिट हो जाना सारी चीज़ें, ये भी कहीं ना चौंकाती है उस समय की। बिल्कुल। और बहुत करीने से उस जो ट्रांसफॉर्मेशन ही कहना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि स्पेशल एक्ट में कोई और बाकी के राज्य नहीं आते या उनका वहाँ की बहस नहीं होती, विपक्ष सवाल नहीं उठाता, पर 370 का जो हटना था वो अगर हम पर्टिकुलर कश्मीर की बात करें, वो इंटरनेशनली हॉट टॉपिक जिसे कहते हैं ना कि पूरी दुनिया को एक मौका मिलता है उन्हें का भारत पे उंगली उठाने का, उस तरह का था। वहां से 370 हटना और उसके बाद बहुत सारे बदलाव भी फिर हुए हैं। राजनीतिक बदलाव हो या हम बात करें आर्थिक हो या विकास की हम बात करें, तो इसे किस तरह से देखें हम, क्या क्या हमें बड़े बदलाव देखने को मिले ललित? मैं बदलावों को अभी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता है बदलाव को हमें दो तरह से देखना चाहिए। सियासी तौर पर देखना चाहिए और एक जो सामाजिक तौर पर बदलाव आता है। अगर हम अलगाववाद पत्थरबाजी की घटनाओं की बात करें तो 99% ये खत्म हो चुकी है। मनोरंजन की बात कर ली जाए, 2023 में यहाँ तकरीबन 102 शूटिंग हुई है और 700 से ज्यादा आवेदन, 3 साल के अगर टाइम पीरियड देखा जाए 700 से ज्यादा आवेदन आए कि हम यहाँ पर शूटिंग करना चाहते हैं। ये एक तरह से रुक गया था, ये उनका बड़ा कारोबार भी है वहाँ का, ये एक तरह से रुक गया था, ये एक बड़ी तब्दीली आई है। इसके अलावा पर्यटन में 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी पिछले साल आए और अभी जो 6 महीने के आंकड़े आ रहे हैं निकलकर 1 करोड़ तो अभी पार हो गए। टूरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है जम्मू कश्मीर के लिहाज से, ये हो गया। डेवलपमेंट की बात कर ली जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए, तो अभी तकरीबन जो रोड बन रही है, एक मोटा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, 18 किलोमीटर पर डे के हिसाब से, और पहले ये जो रफ्तार थी रोड बनने की, रोड आप जानती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे बड़ा माइलस्टोन होता है, और पहले ये तकरीबन 9 किलोमीटर पर डे थी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, पहले आपने देखा होगा इंटरनेशनल मीडिया कश्मीर को एक दाग की तरह दिखाता था और इधर प्रधानमंत्री मोदी की एक ग्लोबल इमेज क्रिएट होना और उन सब के बीच वहां जाकर मोदी सरकार ने वहां जाकर G20 जैसा समिट करवा लिया, सारे इंटरनेशनल मेहमानों को वहां ले जाकर, तो एक तरह से हमने वहां ले जाकर दिखाया कि नहीं कश्मीर के जो हालात आपको दिखाए गए बताए गए वैसे नहीं है, हालात बहुत बदल चुके हैं। तो ये भी मोदी सरकार का एक माइलस्टोन इसे माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि चुनौतियां, फैसला लिया है तो सिर्फ ऐसे ही नहीं लिया है, कुछ ना कुछ सोच समझ कर लिया है, एक विजन के साथ लिया है। और आप पर्यटकों की संख्या भी देखेंगे दिन ब दिन जिस तरह से बढ़ रही है, रोजगार वहां पर बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है, वहां के लोग खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। और अगर हम
बात करें, पुराना समय देखें, पथराव होता था, हड़तालें होती थी, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते थे, लोगों का निकलना या बच्चों का स्कूल जाना कितना मुश्किल होता था, सब कुछ आसान हो चुका है वहाँ पर। जाहिर तौर पर जैसे आपने कहा ना, आपके सवाल में ही वो जवाब था कि विजन, हाँ, विजन और विजन के हिसाब से आपकी पॉलिसीज होनी चाहिए, हाँ, वो पॉलिसीज थी। जब आपने शुरुआत की तब आपने कहा ना कि भाई इतना बड़ा हमने डिसीजन ले लिया, इतने चेंजेस हो गए और एक पत्थर तक नहीं उछला, इस तरह की स्थितियां रही, तो वो मसला है विजन का। ऐसा नहीं है चुनौतियां नहीं है, कश्मीरी पंडितों का मुद्दा है, बेरोजगारी है, आतंकवाद कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, उद्योग धंधे एक बड़ी बात है, लेकिन जो टूरिज्म सेक्टर की आपने जिसका बात की, जिस टूरिज्म सेक्टर की तरफ आप बात कर रही है, उसके बढ़ने से अपने आप में रोजगार आता है। एक मैं और कोट करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि चुनाव को लेकर जिस तरह की बातें आई थी, मोदी मैजिक की बातें कही जा रही थी, लोगों को लगा लोकसभा चुनाव के बाद लगा था कि ये थोड़ा सा कम हो गया, बट दरअसल कश्मीर के चुनाव अगर आप बहुत करीब से देखें तो वो मैजिक पूरा बरकरार है। आपने एक चीज़ और भी नोटिस की होगी कि पहले स्थितियाँ हिंदुओं को लेकर के हम बात करें, कश्मीरी पंडितों को लेकर के बात करें, इससे इतर अगर हम जाएं मुसलमानों की अगर हम बात करें, मुहर्रम पे विशेष रूप से हम वहाँ पर देखें तो माहौल अलग रहता था। अभी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला, जुलूस निकले और कहीं ना कहीं उन्हें आज़ादी मिली तो वो खुश नज़र आए। जो कैरिकेट, जो इमेज खींचने की कोशिश की जाती है या एंटी मुस्लिम इमेज खींचने की कोशिश की जाती है ना, दरअसल मैं आपको बताऊं कि एक तो आर्टिकल 370 से हटकर अगर हम ट्रिपल तलाक देखें, देखिए लोगों के पास ना योजनाएं पहुंच रही हकीकत है, और एक बड़ा तबका मुस्लिम महिलाओं का वो प्रधानमंत्री मोदी का सपोर्टर है। पहले क्या होता था, पहले मुस्लिम कुनबे में आके व्यक्ति बता दिया करता था घर की महिलाओं को कि इस निशान को हमें दबाना है, ठीक है, लेकिन अब वैसा नहीं है, अब महिलाएं खुद से वोट कर रही हैं। मैं आपको आंकड़े बताता हूँ, 370 के खात्मे के बाद बीजेपी का ये जो चुनाव रहा है, विधानसभा चुनाव, तकरीबन 10 साल बाद ये चुनाव हुआ, ये सबसे बेस्ट प्रदर्शन है इस लिहाज से अगर देख लिया जाए तो। मैं आंकड़े बता देता हूँ, पहली बार बीजेपी यहाँ पर 29 सीटें जीती है, ठीक है, इसके अलावा 2014 में 25 सीटें जीती थी, यानी ये 3 सीट प्लस है। प्लस है एक और खास बात कि वोट परसेंटेज के लिहाज से आप देखेंगे तो बीजेपी यहाँ लार्जेस्ट पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बना रही है, वो एक अलग मसला है, परसेंटेज के उस पे जाएं, हाँ, वो आपको और चौंकाएगा कि भाजपा को जो वोटिंग परसेंटेज मिला है इस बार 25.64% है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23% वोट मिले, 23% से थोड़ा ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ, 12% से नीचे आ गई है। अब 2008 के बाद अगर आप आंकड़े देखें, 2008 में भाजपा को 12% वोट, 11 सीट 2008 में, 2014 में 22.98 तकरीबन 23%, और सीट उसकी जस्ट डबल हो जाती है, तकरीबन 25 सीटें हो जाती है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए तब बीजेपी को 24% करीब वोट मिला लोकसभा चुनाव में, और ठीक उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जो वोटिंग परसेंटेज है वो 25% से ज्यादा है। अब आप ये जो भरोसे की बहाली हो रही है, जैसा आपने कहा कि स्थितियां सुधरी हैं, लोगों में ट्रस्ट बढ़ा है, लोग स्कीम का फायदा उठा रहे हैं, ये भी मोदी ब्रांड का भरोसा है। कुछ दिनों पहले एक तस्वीर जब राहुल गांधी ने डाली, वो आइसक्रीम खा रहे थे, वो तस्वीर उनके लिए ही मुसीबत बनी कि जिस लाल चौक पर हम तिरंगा फहराना तो बहुत दूर की बात है। नहीं थे वहां जाने के बारे में नहीं सोचा जाता था। मेरा ख्याल शिंदे है, यूपीए की सरकार में मेरा ख्याल है गृहमंत्री भी रहे, उनकी बेटी अभी राजनीति में है, शिंदे ही है, उन्होंने ये कहा कि पहले कश्मीर जाना डर जैसा हुआ करता था और अब वो वैसा डर नहीं है। तो ये है ब्रांड, वो दो तरह से प्रधानमंत्री मोदी काम करते हैं, एक तरह से सख्त फैसलों को लेना और उनको इम्प्लीमेंट करना, और दूसरी तरफ डेवलपमेंट को फोर्सली लागू करवाना। और यही वजह है कि आप ये आंकड़े देखिए, जो इलेक्शन के आंकड़े, मैंने कहा ना दो तरह से हम बदलाव को देखें, एक हमने सामाजिक तौर पर देखा कि पत्थरबाजी बंद हो गई है, लोगों में भरोसा हुआ है, दूसरा अगर उसको हम सियासी तौर पर देखें तो भी तो लोग बीजेपी के पास जा रहे हैं, तो भी तो जो भरोसा है मोदी का वो बढ़ा है। आज़ादी सिर्फ अखबारों में नहीं, लोगों ने महसूस की है,
वहाँ पर इतने सालों में उन्हें अनुभव लिया है कि हाँ कैसी स्थिति है, वाकई हम यहाँ पर सेफ हैं नहीं हैं, जो चीज़ें पहले हुआ करती थी इतने सालों तक रहीं, लोग परेशान होते रहे, वो आज़ादी नहीं मिल पाई, चाहे स्कूलों में हो चाहे बाहर हो, अस्पतालों की बात की गई, एम्स की बात की गई, जम्मू में एक, कश्मीर में एक, ये भी बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। तो विजन के साथ आगे बढ़े, 370 की बात की गई, उसे हटाया गया, तो प्रॉपर एक हम कह सकते हैं खाका तैयार किया गया कि हाँ हमें इन इन पर जल्द से जल्द काम करना है और इसी के तहत आगे बढ़ना है। बिल्कुल, वो दरअसल एक बात बड़ी अच्छी जो आपको लगेगी बीजेपी के बारे में, कश्मीर, जम्मू कश्मीर चुनाव का तो खैर हमने आंकड़ों के लेवल पे बात की, अभी जब छत्तीसगढ़ के कवरेज के दौरान मैंने खुद जो ट्रेन का सफर किया, हाँ, आप यकीन नहीं मानेंगे कि लाइन से मुझे सारे स्टेशन पे कंस्ट्रक्शन होता हुआ मिला है। आपके पास एक प्लानिंग है डेवलपमेंट की, और लोगों का ये कहना है कि हम सालों बाद ये देख रहे हैं कि इस तरह से रेलवे स्टेशन के कंस्ट्रक्शन के लिए या रेलवे स्टेशन के उद्धार के लिए काम हो रहा है, और वो एक स्टेशन पे नहीं हो रहा है, वो सारे स्टेशन पे हो रहा है, दोनों जगह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं छोटे लेवल पे बता रहा हूँ, आप अगर मास लेवल पे देखेंगे, आज जो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जैसे मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में जो रफ्तार बढ़ी है वो 18 किलोमीटर पर डे है, सड़क निर्माण में भारत रिकॉर्ड बना चुका है, नितिन गडकरी कई बार इसे दोहराते हैं। तो विजन है, एक आपके पास लीडर है मोदी जैसा, जिसकी इमेज डेवलपमेंट सेंट्रिक है, और फिर उसको पूरा फोर्सफुली उस डेवलपमेंट को आप अप्लाई कर रहे हैं, फोर्सफुली अप्लाई कर रहे हैं विकास। और खास बात ये भी है, सरकार किसकी भी बन जाए, विकास निरंतर वहां पर जारी रहेगा, जो लक्ष्य रखा गया उसे पूरा जरूर किया जाएगा, निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा। और जैसे कि बीजेपी, जब हम डिबेट में बैठे हुए थे, जब इलेक्शन के नतीजे आ रहे थे, सिसोदिया साहब थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या भाई जो जम्मू की जनता तो बहुत भरोसा जता रही है, कश्मीर की पब्लिक को क्या हो गया? तो वो मानते हैं, वो स्वीकार करते हैं बीजेपी वाले कि हाँ अभी भरोसा कम है, लेकिन वो भरोसा आगे बढ़ेगा, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो बीजेपी को लार्जेस्ट पार्टी बताता है। अब चूंकि जमहूरियत है, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों के सिर गिने जाते हैं, उन्हें तौला नहीं जाता। अब चूंकि जमहूरियत चली उस हिसाब से, हाँ, तो सीटों के हिसाब से खेल चल रहा है। तो ऐसा रहा कुछ सफ़र इन 5 सालों में, किस तरह से बड़े बड़े बदलाव हुए, 370 हटने के बाद कैसी स्थितियां बनी, जो जो उम्मीद किया गया था वो उम्मीद से इतर होकर के शांति हमने वहां पर देखी, और रोजगार हो, पर्यटन में हम बात करें, सभी क्षेत्रों में जो लक्ष्य लेकर के सरकार चली वो कहीं ना कहीं उसे प्राप्त करती हुई सरकार नजर आ रही है केंद्र सरकार। और आने वाले दिनों में देखना होगा जो खाका तैयार है, एक एक चीज़ों पर काम हो रहा है, वो आखिर किस गति से चलता है और कहां पर पहुंचता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही।